हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हील्स। सॉरी गाइस, मैंने अपने ब्रेसलेट पहने नहीं थे। ये हीलिंग क्रिस्टल ब्रेसलेट होते हैं गाइस, तो ये भी मैं ब्रेसलेट का भी मैं करती हूँ। मैं चार्ज करके देती हूँ ब्रेसलेट हीलिंग एनर्जी से, रेकी एनर्जी से, आप जैसे चाहे वैसे इनको भी ब्रेसलेट में चार्ज करके देती हूँ। जैसे कि अगर कभी कभी हमें इंट्यूशन की ज़रूरत होती है, प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, मेंटल पीस की ज़रूरत होती है, तो सारी चीज़ों के लिए हमेशा लेना ही पड़ता है। तो आज का मेरा टॉपिक है ना गाइस, तो वो थोड़ा मतलब है तो वैसे हमारा करंट एनर्जी, नेक्स्ट एनर्जी जैसा ही है, बट मैं जिस सवाल पे फोकस कर रही हूँ ना आज का एनर्जी, कि आखिर आपके पर्सन का आपको लेकर क्या इरादा है, वो आपके साथ किस तरह का रिलेशनशिप बिल्ड करना चाहते हैं, और ये रिलेशनशिप को वो आगे कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं। मीन्स उनका आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, कमिटमेंट वाला कोई ऐसा उनका इरादा है, या जस्ट एक फ्लर्टेशियस एनर्जी, कुछ टाइम तक खेलना और फिर आपको छोड़ देना, ऐसा कुछ है। फोकस ही आज मैं इस ऐसे सवाल पे करूँगी ताकि मुझे आंसर भी इसी सवाल के आधार पर ही मिलेंगे। तो यस, रीडिंग हो सकता है लंबी हो जाए, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें काफ़ी बातें आएंगी सामने। और एक बात ये लूँगी कि ये पर्सन जो भी कुछ इरादा आपके साथ रखते हैं, इसके बाद आप इस पर्सन के साथ कैसे रहेंगे, आपकी फ्यूचर की एनर्जी इस पर्सन को लेकर, इस आधार पर कि ये पर्सन कौन सा रिलेशनशिप आपको देंगे आगे चलकर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, कॉल करते हैं। मैं डबल डबल क्लेंस करती हूँ गाइस, ताकि रीडिंग बिल्कुल परफेक्टली आ जाए। जो कोई भी अगर नेगेटिविटी कोई डेक में होती है तो वो क्लींस हो जाए, इसलिए इसको बहुत क्लींस करती हूँ। उसके बाद स्टार्ट करते हैं रीडिंग पर। जाके जा माइकल, मैं जानना चाहती हूँ जो भी दर्शक की वीडियो देख रहे हैं, इनके पर्सन के असली में क्या इरादे हैं, इनको लेकर क्या सोचते हैं, डीपली इनके थॉट कितने जेन्युइन है, प्योर है, मुझे जानने हैं इनके क्या डीपली थॉट, इनके इरादे क्या है इनको लेकर। ये बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही डीपली हार्टेड क्वेश्चन है यार केंजा माइकल। मैं आपसे प्रे करती हूँ कि मुझे बिल्कुल सही सही जवाब दें। थैंक यू। ओपन माइंडेड होकर सुनने गाइज आपको रीडिंग, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, कुछ भी निकल सकता है। आपको बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर रीडिंग सुननी है, क्योंकि मैंने सही गाइडेंस मांगी है। मुझे कुछ भी शुक्र कोट नहीं करना है, कोई भी फॉल्स रीडिंग मुझे नहीं देनी है। तो जो भी मुझे यहाँ पे एंजल देंगे, मैं वही आपको बोलूँगी, क्योंकि आपको सही और सच जानना ज़रूरी है। अगर आपको कार्ड अच्छे से समझ में आ रहे तो आप सीधे सीधे समझ गए बात क्या है इनकी बारे। यहाँ पे मुझे दो स्टोरी दिख रही है गाइस, उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी मैरिड इस पर्सन के साथ, उन लोगों के लिए जो कहीं और मैरिड है। मैंने जानबूझ कर आज ज़्यादा मैसेज लिए, क्योंकि मुझे आज मुझ कुछ और ज़्यादा क्लैरिटी मुझे चाहिए थी। क्योंकि ज़रूरी था लेना, ज़रूरी था। दो लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है, अगर ये आपके साथ मैरिड है, अगर ये कहीं और मैरिड है, उन लोग वो लोग भी देख सकते हैं जो कमिटेड रिलेशनशिप में है। ऐसा नहीं, रीडिंग सबके लिए है, क्योंकि कुछ मुझे किसी ने पूछा था कि सिंगल पर्सन के लिए है क्या, तो नहीं है, सबके लिए रीडिंग होती है। आप किस रिलेशनशिप में, हो सकता है ये पर्सन कहीं और मैरिड है और आप सिंगल हो, या तो आप मैरिड और ये पर्सन सिंगल है। देखिए, जब भी ये पर्सन या तो आपसे मिले हैं
या तो आप दोनों की रिलेशनशिप में अभी कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन हुई है, झगड़े हुए, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप आपका चल रहा है, और ऐसे में इस पर्सन को ऐसे लगता है कि इनको आपको आपके टूवर्ड्स एक अप्रोच लेना है। ये पर्सन देखिए बहुत मुझे मैच्योर लगते हैं, समझदार लगते हैं, और मैनिपुलेटिव कोई एनर्जी नहीं लगती मुझे। एक ट्रेडिशनल मैरिज में ये पर्सन हो सकते हैं, इनकी ऑलरेडी कहीं और शादी हो चुकी है, और ऐसा नहीं कि इस पर्सन को आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं करना है। इस पर्सन की शुरुआत होगी क्योंकि इनका अप्रोच है टूवर्ड्स आपकी, आपके पास आने का अप्रोच है। ये पर्सन आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहता है। ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है या फिर हाई वाइब्रेशन सोलमेट आपका ये पर्सन आपका हो सकता है। इस बार ये पर्सन आएंगे, आप दोनों की रिलेशनशिप में डेफिनेटली एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन चल रही है, काफ़ी टाइम से बातें नहीं हो रही है, कुछ आर्गूमेंट हो गई थी आप दोनों में, बातों बातों में झगड़े हो गए थे, जिसकी वजह से या तो आपने या फिर इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बना लिया है। बट ये पर्सन आपके साथ ही आना चाहता है। अगर ये पर्सन कहीं और ट्रेडिशनल मैरिज में फंसा है, फिर भी ये पर्सन आपके साथ एक लव रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म लव रिलेशनशिप ये पर्सन आपके साथ करना चाहता है। इस रिश्ते को काफ़ी आगे तक लेके जाना चाहता है। एट ऑफ हैंड्स है, देन नाइट ऑफ पेंटेकल्स है, सन की एनर्जी, इस रिश्ते को ये पर्सन काफ़ी आगे तक लेके जाना चाहता है। ये पर्सन देखिए एक फॉरवर्ड मूव करके आपके पास आ रहा है, बट यहाँ पे मुझे बात दिख रही है कि आगे चलकर इस पर्सन की कुछ ऐसी एक्शन हो सकती है कि ये पर्सन वापस आपको छोड़ के जा सकता है, आपका दिल फिर से टूट सकता है। आर्गुमेंट होंगे आप दोनों में, अभी इनकी क्या वजह है, इसकी वजह थर्ड पार्टी है, ये कहीं और मैरिड है और ऑलरेडी किसी कमिटेड ट्रेडिशनल मैरिज में ये पर्सन ऑलरेडी है, तो आपके साथ एक रिश्ता निभाने के साथ साथ, आपके साथ एक रिश्ता रखने के साथ साथ ये पर्सन उस कमिटमेंट को भी फॉलो करते रहेंगे, और हो सकता है इस कमिटमेंट को फॉलो करते वक्त ही इस पर्सन को वापस आपका दिल तोड़कर जाना पड़ेगा। इस पर्सन के इरादे वैसे तो मैं बिल्कुल पॉजिटिव भी ज़्यादा बोलूँगी, अगर ये कहीं और मैरिड है तो ऐसे हालात में जो जो ये पर्सन कर सकता है वो तो ये पर्सन आपके साथ करेंगे। बट अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो उन लोगों के लिए मुझे लगता है कि इस पर्सन की थोड़ी फितरत ऐसी रहेंगी कि ये थर्ड पार्टी को भी आपके साथ कंटिन्यू करते रहेंगे, ये उस रिलेशनशिप में भी रहेंगे, इनका ऐसा रहेगा कि आपके होते हुए हुए भी थर्ड पार्टी इनके साथ रहे। आपके साथ इनके बच्चे हैं, इनका बच्चों का फ्यूचर है, एक लग्जरियस लाइफ, एक स्टेबिलिटी है, इसके लिए हो सकता है कि ये पर्सन आपके साथ इसलिए। सॉरी गाइज, अगर कोई नॉइज आती है तो, अब क्या है ना कि समझा समझा के थक जाते हैं, पर क्या करें। यहाँ पे लाइट का ब्लिंक होना थोड़ा एक डेविल एनर्जी का मुझे लगा कि जैसे कि कोई रोक रहा है कि मैं इतने डिटेल मैसेज दे रही हूँ, कोई चाह रहा है कि जैसे कि मैसेज ना आए। बट यही बात है कि ये पर्सन अगर आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो वापस हार्टब्रेक की एनर्जी मुझे दिख रही है, ये पर्सन वापस छुड़ के जा सकते हैं। जस्ट एक स्टेबिलिटी है, बच्चे हैं, फ्यूचर है, इसीलिए पर्सन आपके साथ रहेंगे, बट आपके साथ रहते रहते एक लव रिलेशनशिप को भी आके लेके जाएंगे। आर्गुमेंट मुझे होते हुए दिख रहे हैं। अगर आप किसी कमिटेड रिलेशनशिप में हो और आपके पर्सन अब तक आपसे कोई शादी नहीं की है, तो उन लोगों के लिए लगता है कि आगे चलकर आपको शादी का कमिटमेंट मिल जाएंगी, इनके साथ रिश्ता आगे रहेगा, बट फिर से किसी थर्ड पार्टी की एंट्री मुझे दिख रही है। अब जब मैं इसको सोर्स को क्लेरिफाई करूंगी तो मुझे समझ में आएगा कि थर्ड पार्टी इनके पेरेंट्स है या इनका कोई ऐसा रिलेशनशिप है, समझ में आ जाएगा। यह इस पर्सन ने दिल तो तोड़ा है, आप दोनों के रिलेशनशिप में कोई ब्रेकअप वाली सिचुएशन तो हो गई थी। लेट गो, इनसिक्योर हो गए, जेलस हो गए, आप लेट गो नहीं करना चाहेंगे इस रिलेशनशिप को, बट हालत कुछ ऐसी हो गई है आप दोनों के रिलेशनशिप में, आप बहुत इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा सिक्योर हो गए थे, आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर प्रोटेक्टेड हो गए थे, जेलस हो गए थे, बट जिस तरीके से कम्युनिकेशन करके ये पर्सन छोड़ के गया है आपको, तो या फिर फाइव ऑफ सोर्स में एक थ्री ऑफ सोर्स की भी एनर्जी मुझे दिख रही है। तो ऐसे ही यही फीमेल है जिसका दिल टूटा है क्योंकि उसके पीठ पीछे किसी ने ऐसे खंजर खोपे। ये पर्सन जिस तरीके से दिल तोड़ के जा रहा है थर्ड पार्टी के पास, थ्री ऑफ सोर्स की एनर्जी, थर्ड
थर्ड पार्टी के साथ आपसे झगड़ा करके थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन जा रहा है, पेन बहुत हुआ है आपको। सिक्स ऑफ सोर्स की एनर्जी की है ये जी। अगर ये पर्सन कहीं और मैरिड है ना, तो यही अपने ट्रेडिशनल मैरिज की ओर जाएंगे ये पर्सन। आपको चाहिए कि कमिटमेंट चाहिए इसके पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, बट अगर ये कहीं और मैरिड है और इसने कभी बोला था आपको कि ये अपनी शादी छोड़कर आपके पास रहेगा, तो ऐसा इसने किया नहीं है। या तो ऑलरेडी जा चुका है अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, या तो ये आगे जाएगा। इसके इरादे ऐसे है ही नहीं, इसके इरादे ऐसे है ये अपनी शादी को कभी छोड़ेगा नहीं, बट अपनी शादी को रख के ये पर्सन आपको भी इस रिलेशनशिप में रखना चाहेगा। नेट ऑफ हैंड्स की एनर्जी क्यों है? क्लैरिटी देगा ये पर्सन। अगर ये पर्सन ऑलरेडी गया है तो आपसे माफ़ी मांगेगा। आपका दिल तो तोड़ा इस पर्सन ने और ऑप्शन ऑप्शन को चॉइस किया था, आपको कॉम्प्रोमाइज़ किया था। अगर ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में था इस पर्सन, और इस पर्सन ने दूरियाँ बना ली थी किसी वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से, तो ये पर्सन उसके लिए माफ़ी मांगेगा, आपके पास आएगा, क्लैरिटी देगा। ऑप्शन रखा था, कुछ होगा आर्ग्यूमेंट, इसके ऊपर आपको क्लैरिटी मिलेगी। अपोलॉजी के साथ शुरुआत करेंगे, वादा करेंगे, अपने मैरिड रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करेंगे, इसमें सारी खुशियाँ लाएंगे। इनका इरादा ऐसा है नहीं, इनका इरादा ऐसा है कि भाई आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, बट यहाँ पे मुझे एनर्जी क्या हो रही कि भाई ऑप्शन के साथ साथ आपको रखेंगे, ये एनर्जी लग रही कि इनकी लाइफ में अदर ऑप्शन भी रहेंगे, साथ में आप भी रहेंगे, और मैं सबको लेके चलता हूँ ऐसा कुछ। भले बोलने के लिए आपको कुछ भी बोले, बट इनके इरादे ऐसे है कि छोड़ना मुझे किसी को नहीं है, ना उसको ना आपको जी। प्यार आपसे करते हैं, आपको बार बार जाहिर करते हैं, यहाँ पे दिख भी रहा है एक्चुअली प्यार करते हैं आपसे। अगर ये आपको बोलते नहीं हैं तो बोलने से डरते हैं, इस बीच की चाहते इसीलिए कि कुछ ज़्यादा इंटेंसिटी ना बढ़ जाए रिलेशनशिप में, आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना करने लोगों। यहाँ पे उन लोगों के लिए ऐसा लगता है कि ये पर्सन, देखिए आपकी अगर शादी नहीं है तो मुझे ये डेफिनेट लग रहा है कि ये आपके साथ शादी हो सकती है। फैमिली का कार्ड यहाँ पे आ चुका है, ट्रेडिशनल मैरिज के भी दो कार्ड आ चुके हैं। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर जो छोड़ के चला गया है पास्ट में, उस पर्सन के साथ जो मैरिड नहीं है उनकी शादी मुझे होती हुई दिख रही है। ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, इनका इरादा आपसे शादी करने का ही है, जो नॉन कमिटेड नॉन मैरिड रिलेशनशिप में, मैरिड नहीं इनका। और अगर ये मैरिड रिलेशनशिप में तो ये चाहेंगे कि आप ही के साथ इनकी स्टेबिलिटी बने रहे, आपका रिश्ता आगे अच्छा से जाए, ये पर्सन चाहेंगे। ये कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में है तो अपनी शादी और आप दोनों को बराबर लेके चलेंगे। आपको भी किसी बात की कमी करने की इस पर्सन के मन में वो चाहत नहीं है कि, बट इतना मैनिपुलेशन डेफिनेट करेंगे कि आपको भी ना छोड़ना पड़े, उनको भी ना छोड़ना पड़े। उनके लिए आप हमेशा इनकी विश फुलफिलमेंट थे, ये आपके पास आते हुए मुझे तो दिख रहे हैं। देखिए आपके मिलने से पहले अगर इनकी शादी हो गई तो इसमें ना तो इस पर्सन की कोई गलती है ना आपकी कोई गलती है। और ऐसे रिलेशनशिप में कमिटमेंट काफ़ी देर से मिलती है या फिर कभी कभी मिलती भी नहीं है। विदाउट कमिटमेंट आपको इस रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहे आपको चाहना पड़े करना पड़ सकता है अगर आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। बट अगर आप शादी चाहते हो तो वहाँ पे यहाँ पे कोई लीगल मैटर वैसे दिखे नहीं इनके कि अगर इनकी शादी है तो वहाँ पे कोई डिवोर्स करके आपके पास आ जाएंगे, बट ये डेफिनेटली दिखता है कि ये पर्सन आपको छोड़ेंगे नहीं, आपके टूवर्ड्स एक्शन डेफिनेटली लेंगे। अगर इन्होंने अब तक कोई एक्शन नहीं ली है, आपको इतनी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं दी है, तो इनका इरादा वैसा ही है जी। इनको सोलमेट है, अगर ये आपके साथ शादीशुदा ज़िंदगी में है ना गाइस, तो आपकी शादी वैसे भी अच्छी जाने वाली। थोड़ा बहुत यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी की वजह से दिल आपका टूट सकता है, क्योंकि शायद बाद में पता चले कि थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ये पर्सन ऑलरेडी है। नाइट ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी की है। काम करेंगे इस रिलेशनशिप के ऊपर, ये पर्सन जन तरीके से काम करना चाहेंगे। मैं तो डेफिनेटली आँख मंद कर, इरादे बड़े नेक है इस पर्सन के, आपको लेकर इरादे नेक है, अच्छा ही सोचते हैं आपको लेकर।
थ्री ऑफ सोर्स क्यों दिया है फिर आपने, इतना सब कुछ दिया फिर? हाँ जी, लीगल मैटर में फंस सकते हैं, आ ही गए वो कार्ड। अगर ये पर्सन ऐसा बोल, इसने ऐसा बोला है कि वो डिवोर्स देकर आपके साथ शादी करेगा, आपके साथ फैमिली बनाएगा, ऐसा मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। वो डिवोर्स नहीं दे पाएंगे अपने फैमिली को, उनको उनके साथ भी रहना पड़ेगा, आपके साथ भी रहना पड़ेगा, और आपको उस कंडीशन पे इस रिलेशनशिप को आगे लेके जाना पड़ेगा अगर आप कंफर्टेबल हो तो। अदरवाइज आपकी डिमांड इस रिलेशनशिप की एक शादी है, तो वो मुझे होती हुई नहीं दिख रही है। हाँ, ऑलरेडी आप शादीशुदा हो, तो यहाँ पे एक लीगल मैटर मुझे आप दोनों के रिलेशनशिप में आगे चलकर दिख सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में डिवोर्स वाली सिचुएशन या फिर कोई लीगल मैटर वाली सिचुएशन दिख सकती है। आपके पास स्टक रह सकते हैं और इस रिलेशनशिप को भी आपको भी रखेंगे, बंधा हुआ लगेगा आपको, कहाँ फंस गया आप वापिस। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा पावर इम्पैक्ट है, झगड़े होंगे आप दोनों में, बट शुरुआत हो जाएंगी। या तो आपको पहले से पता है इस पर्सन के लाइफ में इतनी सारी कुछ बातें चल रही, फोर टाइम एट्स आप अगर आपको दिखता है, ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। फोर टाइम सेट मुझे यही एक्चुअली नंबर यहाँ पे काफ़ी आए, बट यहाँ पे मुझे फोर टाइम एट्स से लगी है एनर्जी, 12-12। इरादे इनके ऐसे नहीं है, बट ये थर्ड पार्टी के हाथों ही आपके लिए कोई सही फैसला नहीं कर पाते या फिर आगे भी नहीं कर पाएंगे। और इनको ये भली बात ही जानती है कि ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे, बट इनको जस्ट आपको खोना नहीं है, आपके लिए इनका इनके मन में मुझे प्यार दिख रहा है, बट हालात ही ऐसे है कि जिससे आपका दिल टूट सकता है। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, बट अगर आपका लव रिलेशनशिप भी ना गाइस, तो इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में लेके जाएंगे। और जो शादी करना चाहते हैं तो शादी होगी, बट यहाँ पे अगेन वही थर्ड पार्टी रिलेशनशिप रहेगा, थर्ड पार्टी यहाँ पे इनके कोई फैमिली मैटर का तो नहीं लगा, बट थर्ड पार्टी की ऐसी कोई थर्ड पार्टी है जो इनको किसी सिचुएशन में फंसा सकती है। मानो अगर इनकी फैमिली भी है, इनके पेरेंट्स भी हैं, तो हो सकता है इनके ऊपर ऐसे कोई कंडीशन ला दे कि भाई तो ऐसा करेगा तो ये कैसा होगा। अगर आप ऐसे समाज में हो कि जहाँ पे लव रिलेशनशिप को अलाउ नहीं किया जाता है, तो अगर तू प्यार करेगा तो फिर तेरे भाइयों का क्या होगा, सिबलिंग का क्या होगा, इनकी शादी होने वाली है, या फिर अकेला आपके पर्सन या अकेले फैमिली के होल्डर है, वही सब इनका खर्चा उठाते हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है, तो भाई तो ऐसा करेगा तो फिर हमारा क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा। ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में, ऐसी सोसाइटल कंडीशन में आपके पर्सन को कोई फंसा सकता है, ऐसा कोई थर्ड पार्टी है, और जिसकी वजह से आप दोनों में फिर क्या होगा ना कि फाइव ऑफ हैंड्स की जैसे कि बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी थी, इसकी वजह से आप दोनों में क्या होगा कि अनबन होगी, वही बात घिसी पिटी बात, फिर से वही जीरो पे आना, फिर से स्टार्ट करना, फिर से लॉन्ग टर्म ब्रेकअप हो जाना, बातें कम हो जाना। इतना कुछ लंबा चौड़ा चलेगा नहीं, बट इनको खोना नहीं है आपको, इतना ही मुझे पता चला, इनको आपको खोना नहीं है। तो डी आर केंजा माइकल, थैंक यू, आपने गाइडेंस दिया हमें। मैं और जानना चाहती हूँ डी आर केंजा माइकल कि क्या करेंगे इनके साथ आगे, इस रिलेशनशिप को कहाँ तक लेके जाएंगे। इनके इरादे तो है इनसे शादी करना, इनके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप रखना, तो असल में ये क्या करेंगे ये मुझे प्लीज़ बताना केंजा माइकल। एंड मैं ये खुद अटक जाएंगे जी, वही तो, इसीलिए तो निकालते हैं जी। इनकी जगलिंग तो नहीं रुकने वाली गाइस, उनको भी आपको भी फैमिली है, तो इनको तो दूरियां बनानी ही पड़ेगी। ये फिर से दूर जाएंगे, फिर से आ जाएंगे, हम कौन को भी देखना है। यहाँ पे मुझे उन लोगों के लिए एनर्जी ज़्यादा लग रही है, इनके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है जी। हाँ, एट ऑफ कप जाएंगे, इतना सब कुछ दिलासा देते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर क्या करते हैं भाई, चीटिंग करके चले जाते हैं। अभी की इनकी एनर्जी कि इनको आपको छोड़ना नहीं है, फ्यूचर में शायद ऐसी
एनर्जी की हो जाएगी कि इनको आपके फैमिली के पास जाना पड़ेगा। अपनी जाते हैं, फिर वहाँ पे मन नहीं लगता है, फिर ये आपके पास चले आते हैं, फिर आपके साथ शुरुआत करते हैं और फिर आपको लेफ्ट अलोन फील करवा के चले जाते हैं। आपसे शादीशुदा भी है ना गाइजे, तब भी यही हाल है, ये आते हैं ये जाते हैं। बट जिनकी शादीशुदा जिंदगी है उनके लिए फिर भी एक अच्छी मुझे बात लग रही कि इस टाइम ये पर्सन ज़्यादा आना जाना नहीं करेंगे, बट डेटिंग आपके साथ होगी, डेफिनेटली होगी। यू नो फ्रेंड्स के यहाँ पे एनर्जी है, अकेला अकेला रहेगा, आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अकेले है, एक ग्रजेस, एक सैड सोरोफुल एनर्जी। मिलके भी हम ना मिले तुमसे न जाने क्यों, मिलों के है फासले तुमसे न जाने क्यों, ऐसा कुछ होगा भी। यही मुझे यही वर्ड आए सॉन्ग के जो एनर्जी बोल रही है। ऐसा होगा, शुरुआत करेंगे पर्सन, फिर से जाएंगे, फिर आएंगे, फिर शुरुआत करेंगे प्यार की, फिर बोलेंगे चलो करते हैं नई शुरुआत और फिर से छोड़ के जाएंगे। इनमें खुद में वो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि स्ट्रॉन्ग एक्शन आपके लिए ले पाएंगे, क्योंकि सब बातें छोड़ देंगे ईश्वर पे। जब सिचुएशन हैंडल नहीं होगी इनसे, फिर आप लटक रहे इस रिलेशनशिप में, आप स्टक है, आप हैंग है, स्टक है, कुछ नहीं देखेंगे, ईश्वर पे भरोसा कर छोड़ देंगे। आगे टावर मोमेंट आने वाला है रिलेशनशिप में, फिर से ब्रेकअप, क्योंकि दो दो सिचुएशन हैंडल करने से ना रही, फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन आप हो, शुरुआत भी करेंगे। मुझे किसी ने पूछा था कि इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है, तो डियर मुझे आपकी ये नहीं पता क्या आपकी लाइफ में क्या स्टोरी है। जी हाँ, सोल्यूशन हर एक के पास रहता है, बट यहाँ पे क्या है ना, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एक सोल्यूशन नहीं मैं बता सकती, बट जनरली जब सब लोग जो कर सकते इतना ही मैं गाइडेंस दे सकती हूँ। आप पर्सन कंसल्टेशन बुक करवा के ना अपनी लाइफ का सोल्यूशन ले सकते हैं। जी हाँ, ये पर्सन जाएंगे, वो रिस्क लेना नहीं चाहती है पर्सन, इस पर्सन की एनर्जी की उनको रिस्क लेना नहीं है। जब भी बात बहुत ज़्यादा सहने की आती है तो ये पर्सन अपना कंफर्टेबल जोन पकड़ कर चले जाते हैं। यहाँ पे बात है कि हरमेट की एनर्जी है जी, सोच समझ कर, बहुत सोच समझ कर आएंगे, इस बार मैं आऊँगा तो मैं नहीं जाऊँगा, बट यहाँ पे हाँ ये बात हो सकती है। यहाँ पे बोलेंगे कि थर्ड पार्टी का हमने कम्प्लीटली एंड कर दिया है, तो ऑफ फ्रेंड्स डेथ और मैं फैमिली के पास आ चुका हूँ। अगर ये आपके साथ शादीशुदा जिंदगी में ये पर्सन है तो ये पर्सन आएंगे, माफ़ी मांगेंगे और सब कुछ करेंगे कि भाई हमने एंड कर दिया, थर्ड पार्टी लगभग चली गई लाइफ में, अब दो दो रास्तों को चुनने की ज़रूरत नहीं, एक रास्ता मैंने ढूंढ लिया है, ऐसा कुछ बोलेंगे। इसी के लिए ऐसा भी मुझे लग रहा है कि भाई अपने फैमिली को छोड़कर आ जाएंगे आपके पास। किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि आपको छोड़कर फैमिली के पास जाएंगे, मतलब अगर आपके साथ मैरिड है ना तो तब भी बात यही आ रही है। यहाँ पे बोलेंगे सब कुछ छोड़ के आ गए, फिर वापस चले जाएंगे। सेवन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों एंजल, मैक्सिमम यही एनर्जी लग रही है, मैरिड लाइफ में आता हुआ दिख रहा है ये पर्सन मुझे, बट फिर से एक मन में जोर लेकर क्लैरिटी क्या देंगे भाई आप, चीटिंग करेंगे और क्या क्लैरिटी देंगे इनके लिए, तो मुझे कोई और डेक लेकर मैं निकालती हूँ भाई, ये कौन सी क्लैरिटी देने वाले हैं और कौन किस तरीके से बेवकूफ़ बनाने वाले हैं आपको, मैं देख ही लेती हूँ ऐसी कौन सी क्लैरिटी देने वाली है।
उन लोगों के लिए लगता है कि जिनकी मैरिड रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी थी ना, उसकी क्लैरिटी मिलेंगी आपको। जी, आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में और मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये पर्सन के लाइफ से थर्ड पार्टी चली जाए और ये पर्सन अपने मैरिड रिलेशनशिप में वापस आ जाए, जो दूर चला गया है उसको अगर वापस बुलाते हो आप, किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में आपका पर्सन चला गया है, तो मुझे लगता है आपके मैनिफेस्टेशन वर्क होगा, ये पर्सन चले जाएंगे। अदरवाइज कोई एक एक्सपीरियंस पर्सन से कोई स्पेल करवा रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन फिर से चीट कर सकते हैं। अपने नॉलेज का कंप्लीट यूज़ करेंगे ये पर्सन, मैनिपुलेटिव करेंगे, बिल्कुल पॉलिटिकल दिमाग से खेलेंगे, जिसको क्लैरिटी का नाम देंगे, बट असल में ऐसा कुछ होगा नहीं। सावधान, किसी के लिए आ गया मैं सिर्फ पता नहीं, बट अपने टैलेंट का यूज़ करेंगे आपका ब्रेन कंट्रोल करने के लिए, आपको ब्रेन वॉश करने के लिए, आपको इन बातों को पटाने के लिए कि भाई जो मैं दिखा रहा हूँ वही सच है, सूरज पश्चिम से उगता है, तो यस पश्चिम से कैसे उगता है ये पटा देंगे और आप पढ़ भी जाएंगे। किंग ऑफ कप लेके आया हूँ, किंग ऑफ कप देखिए इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने की एनर्जी है। देखिए प्यार का ऑफर आ रहा है बट यहाँ पे सीक्रेटली रिलेशनशिप भी चल रहा है, वही तो मैं बोल रही हूँ, पटाएंगे आपको कि इनकी रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी चली गई है अगर आप मैरिड रिलेशनशिप में हैं, और अगर आप कहीं और मैरिड रिलेशनशिप में या फिर आप सिंगल हो और इस पर्सन ने कुछ ऐसा थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़कर गए थे या फिर आगे भी जाएंगे, तो ये बात डेफिनेटली आप ध्यान में रखना है कि ये पर्सन आपको कन्विंस करेंगे इनके सहूलियत के हिसाब से, अच्छे से कन्विंस करेंगे और उसको क्लैरिटी का नाम देंगे और बोलेंगे कि इनकी रिलेशनशिप से थर्ड पार्टी चली गई, असल में एक सीक्रेट रिलेशनशिप इस पर्सन के लाइफ में रहेगा। या तो ये खुद करेगा या तो इनके ऊपर कोई स्पेल का मुझे दिख रहा है कि कोई स्पेल करवा सकता है, एक सीक्रेटली कोई इस पर्सन का प्यार कोई पाना चाहता है इसीलिए इस पर्सन के ऊपर कोई स्पेल करवाएगा, ऐसा पेंटेकल्स की एनर्जी क्यों होंगे। स्टार, क्लैरिटी तो आप ही के साथ रहेंगी, शुरुआत तो आप ही के साथ रहेंगे, मैक्सिमम टाइम पे मुझे क्या लग रहा है ना, ये पर्सन से चीटिंग इसीलिए होगी क्योंकि इसके ऊपर कोई लव स्पेल करवा रहा है, जैसे कि आपके पर्सन का लव उसको मिल जाए, ऐसा कोई करवा रहा है, कर रहा है ऐसा कोई आपके पर्सन के ऊपर, कोई फिदा है इनके ज्ञान के ऊपर, कोई फिदा है इनके नॉलेज के ऊपर, कोई फिदा है इनके एक्सपीरियंस के ऊपर, इनके सक्सेस के ऊपर। पता नहीं आज मेरा ऐसा क्या हो रहा है, बहुत लेट हो गया शायद इसलिए। थोड़ा पर्सन एनर्जी क्यों एंजल, मुझे आपकी एनर्जी देखकर पता चलेगा भाई आपके सामने इनकी कितनी दाल गलने वाली है। किंग ऑफ फैंस, बॉर्डर दटी के यहाँ पे देखिए, आपको लगेगा कि भाई छूट गया आपके हाथ से प्यार, और इस पर्सन को भी शायद लगेगा, अब मुझे आपकी एनर्जी देखकर पता चलेगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे थ्री ऑफ कप की एनर्जी है, यहाँ पे फोर ऑफ कप है, जैसे कि आप एक सेलिब्रेशन के मूड में बहुत बैठे हो कि चलो लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, और ये पर्सन अपना वन कप लेके दूर बैठा है, जो भी दूरियां थी ना दोनों की रिलेशनशिप में, आप एक सेलिब्रेशन के मूड में बैठे हो और आपके पर्सन नए स्टार्ट के मूड में बैठे हो, तो मुझे होता हुआ दिख रहा है, अनकंसर्न लव है आपका, कंसर्न एंड अनकंसर्न लव है, तो आप कंसर्न हो आपके पर्सन अनकंसर्न है, कभी 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 आप अनकंसर्न हो आपके पर्सन कंसर्न है कि मुझे तो स्टार्ट करनी है, और आपको उस टाइम पे आपको लगता है कि भाई इस रिलेशनशिप में वो हैप्पीनेस है या नहीं है, जो मैं एंजॉय करना चाहती हूँ वो है या नहीं है, इस अनकंसर्न में आप हो, और आपके पर्सन जब अनकंसर्न होते तब क्या सोचते हैं कि भाई ये तो जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रही है, जो खुशियाँ चाहती है, क्या इसको मैं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगा, क्योंकि लाइफ में इतना कुछ हो चुका है किसी थर्ड पार्टी की वजह से, ऐसा होगा ना होगा, बट इस सारी ये हिचके चार्ट को, इस सारी जो कुछ हेजिटेशन है इसको ख़त्म कर दो, ये पर्सन का एक्शन डेफिनेटली लेंगे, जो गया है आप दोनों में इमोशनली दूरियां बन चुकी है, फिजिकल दूरियां बन चुकी है, अंत में आप दोनों के रिलेशनशिप में विश फुलफिलमेंट होगी, आपके दोनों के रिलेशनशिप में ये कन्फ्यूजन तो हट जाएगा, और यहाँ पे भी एक विश फुलफिलमेंट मुझे होती हुई दिख रही है। आप इस पर्सन के डेस्टिनेड पार्टनर इस पर्सन को पता है, देखिए मैरिज रिलेशनशिप है तो ये पर्सन जाने से रहे, हाँ थर्ड पार्टी ड्रामे कुछ करेंगी,
कभी कभी पर्सन का सहारा लेगी, इनके इमोशंस के साथ खेलेंगे, इनको इमोशनल फुल बनाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके पर्सन सेंसिटिव हो तो और इनको बहुत जल्दी लोगों के ऊपर इनकी दया आ जाती है, इनके आप इनके फ्लो में चले जाते हैं। आपके पर्सन अगर ऐसे तो थर्ड पार्टी के लिए बड़ा आसान है इनके इमोशंस के साथ खेलना। ऐसा कुछ गेम थर्ड पार्टी करेगी और ऊपर से अगर स्पेल करवाती तो आपके पर्सन के ऊपर ही इफेक्ट होगा, क्योंकि जैसे आपके पर्सन थर्ड पार्टी को डीच करेंगे तो वो तो छुपने बैठने वाली, वो अपना कुछ ना कुछ करेगी इमोशनली फिजिकली मेंटली साइकोलॉजिकली, आपके पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कहीं और मैरिड है ना, तब भी इनके लाइफ में जो कोई इनका पार्टनर है या इनको पता है हस्बैंड के रिलेशनशिप के बारे में, तो ऐसा कुछ ही इनके पार्टनर भी कर सकती है। अगर आप सिंगल हो और आपके पर्सन के बीच और आपके बीच बहुत सारी दूरियां बना ली है, तो इनके फैमिली मेम्बर्स है ऐसा जो इनका ब्रेन वॉश करेंगे आपके खिलाफ, बेटे आपके साथ आएंगे, क्योंकि फोटो ऑफ द डे रिजल्ट आपके फेवर में मुझे दिखा है। अब मैं देखती हूँ आप क्या करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे थोड़ी जर्नी इंटरेस्टेड लगती है। जाके ने माइकल, अब इतना कोई सिनेरियो मेरे दर्शकों के और उनके पर्सन के रिलेशनशिप में होने वाला है, तो प्लीज गाइड मी आर्कएंजल माइकल, मेरे दर्शक क्या करेंगे इनके पर्सन के साथ। प्लीज गाइड मी, आप लटका के रखेंगे। दो दो सिचुएशन में खेलता है, जा लटक उधर ही लटक, पता नहीं कौन बोल रहा है ऐसा, मुझे बड़ी हंसी आ रही जी। बेवकूफ बनता है, चल जा निकल, लटक जहाँ पे हमें जंगले में रखता है, इधर चला हमें उधर चला, चल उधर ही जा। लटका के रखेंगे आप, क्योंकि आप एम्परर बन गए हो भाई, बॉस बन गए हो आप। अरे प्यार भी करते हैं ऐसा नहीं, बट इनको क्या दी, इनको सबक सिखाना जरूरी है ना, तो ये करेंगे। बट ऐसे करते वक्त ना, जब ये उसको लटका के रखते हैं ना, बुरा आपको भी लगता है, मिस आपको करेंगे, मैंने ले लिया इतने अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे, तो भाई मैंने भी ले लिया। थर्ड पट्टी खेलता है, चल जा उधर ही जा। आपको फेथ है इस पर्सन के ऊपर, इतना कुछ पर्सन कर रहा है बट फेथ है। अगर ये आप तो आपका मैरिड रिलेशनशिप है, आपको फेथ है सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी आप दोनों के रिलेशनशिप में। शादी के भी कार्ड आ गए, जितने आए मैंने ले लिए गाइस, मुझे लगा जी हाँ एक टावर मोमेंट दिख रहा है यहाँ पे, इसको क्लेरिफाई तो करना पड़ेगा मुझे। बट नाइन ऑफ पेंटेकल्स भी, एक सेपरेशन होगा जब आप इसको किक मारेंगे ना, डेविल भी है, स्पेल से बच के रहिए गाइस। कोई नज़र किसी की बहुत बुरी नज़र लग रही है आपके रिलेशनशिप को, बहुत गंदी नज़र दिख रही है यहाँ पे, चाहता ही नहीं है कोई आपका रिलेशनशिप अच्छे से जाए। झगड़े लगाना, आप दोनों के आप दोनों में शक पैदा कर देना, एक दूसरे के खिलाफ गुस्सा लाना, वो हेटेड एनर्जी आप दोनों में पैदा कर देना, ऐसे कोई डेविल एनर्जी कर रही है आप दोनों में, जिसकी वजह से सीनियर काफ़ी सीरियस हो सकता है आगे चलकर। मैंने थोड़ी फनी वे में आपको बता दी, बट ये आप मजबूर हो जाएंगे इस रिलेशनशिप, इस पर्सन को इस एनर्जी में डालने के लिए। ये पर्सन खुद एक गलत एनर्जी के इफेक्ट में, ये हो आपके उनके भी नेक्स्ट एक्शन में टावर मोमेंट दिखाता, करंट दिखाता, और आपके ओर से भी वही एनर्जी जा रही है। या तो सेपरेशन आप खुद करेंगे या फिर ये पर्सन करेंगे, ये पर्सन करेंगे तो ये इफेक्ट में है। चलिए देखते हैं यहाँ पर, बट मुझे एनर्जी आपके लिए बोलूँ, आप अच्छी एनर्जी दे रहे हैं, आपके लिए भी ये पर्सन विश फुलफिल होंगे, शादीशुदा जिंदगी आपकी अच्छी जिंदगी जा रही है, हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी है, बॉस होते हुए दिख रहे, आप अपने पावर में आ रहे हो, अपने कंट्रोल में आ रहे हो। आप भी अगर पहला आपका नेचर था कि आप इनकी हर बात सुनते थे, इस बार आप इनको जैसे के तैसे उत्तर देने वाले हो, आप इनकी कुछ सुनने वाले हो नहीं, क्योंकि आप अपने पावर में आ चुके हो। आप ऐसा नहीं कि आप पावर में आ चुके हो, ईगो आप में आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत एग्रेसिव बिहेवियर करेगा आपसे, तो आप उनको उनकी लैंग्वेज में बोलने के लिए भी कम नहीं करेंगे, मुझे ऐसा भी दिख रहा है। मीन्स अगर ये आपको मारपीट करते थे तो आप ऐसा भी हो सकता है कि आपके ऊपर हाथ उठाएंगे तो आप इनका हाथ पकड़ लेंगे और उनको उनकी औकात दिखाएंगे।
तो आप पेंटेकस के एनर्जी क्यों है एंजल, बट आप दी है जी, देखिए हैंगमैन, ये वापस कंपैरिजन। अगर ये आपके साथ मैरिड नहीं है और आपको बोला है कि शादी के लिए आपसे शादी करूंगा, तो सिचुएशन हैंग हो जाएगी और आपका आपके ऊपर भी ऐसा असर रहेगा, शायद आप भी ऐसी मेंटेलिटी में आ जाएंगे कि भाई हमको भी कुछ करना ही नहीं है, चलो जैसा वैसा रहने दो, देखते आगे क्या होगा। हैंगमैन क्यों दिया फिर, अब यहाँ पे टू ऑफ पेंटेकल्स मत देना, जस्टिस क्वीन ऑफ सोर्स, डिटैच कर देंगे आप, क्योंकि ये प्रॉपर डिसीजन नहीं लेंगे आपको और आपको ये जगलिंग में रहना अच्छा नहीं लगेगा आगे चलकर। तो आप भाई तू कुछ नहीं कर सकता तो फिर ठीक है भाई, मैं तुझे कट कर देती हूँ, मस्त आप अपने लाइफ की शुरुआत करने की ओर जाएंगे आप, बैकअप होकर एक एक्शन लेंगे आप इस रिलेशनशिप में आगे जाने की, सोचेंगे रिस्क लेंगे आप, मीन्स इनको छोड़कर कहीं बाहर जाएंगे आप घूमने के लिए, फॉरेन, या फिर कोई फॉरेन कनेक्शन आपके लाइफ में आता हो मुझे दिख रहा है, शादी का प्रपोजल ये आया तो ठीक है, अगर ये बार बार सेपरेशन ही करता है तो ऐसा नहीं कि आपको प्रपोजल नहीं आ रहे, तो एक ऑप्शन आता हुआ दिख रहा है मुझे, फॉरेन से आता हुआ दिख रहा है, और जो ऑप्शन अगर आप फीमेल हो तो वो जो पर्सन आने वाला है एक्सपीरियंस है, मैच्योर्ड है, बॉस ही है, किसी फेमस पावर पोजिशन पर बैठा ये पर्सन और बॉस ही है, इकोस्टिक है, ऐसे एक पर्सन जिसको शुगर कोटिंग बातें करना अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कट टू कट बातें करने वाला है और मैनिपुलेटिव है, पॉलिटिकल दिमाग वाला, इंटेलिजेंट दिमाग वाला, ऐसा कोई पर्सन फीमेल मेल कोई भी हो सकता है आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जिसका फॉरेन कनेक्शन कोई है। आप इस पर्सन को डिटैच कर देंगे, ये अगर बहुत ज़्यादा घमंड में रहता है, बहुत ज़्यादा ईगो में रहता है, भाव खाता है, आप इसको डिटैच कर देंगे। जी हाँ, आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी की एंट्री है, क्योंकि इनके साथ अगर आपको रिलेशनशिप है ऐसे में कोई एक लव रिलेशनशिप में जहाँ आपके लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, ये मोस्टली जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ से एक लव रिलेशनशिप आपके पास आता हुआ दिख रहा है। इसी पर्सन के साथ अगर मैं देखूँ तो देखिए हो सकता है कि फिर से टीम अप करके ये पर्सन आपके साथ जुड़ सकता है। फाइव कप की एनर्जी क्यों है, अगर आप एक ही जगह पर काम करते हो तो आपको मिलना होगा, लव ख़त्म नहीं होगा, बट मुझे यहाँ पर जो वाइब आ रही है तो वो किसी नए पर्सन से आ रही है। बट देखिए जो आ रहा है, अगर यही पर्सन आपके पास आ रहा है, जस्टिस मैं आपको दूंगा, या फिर मैंने डिवोर्स ले लिया है, डिवोर्स फाइल कर दिया है और इसीलिए आप इसको मिस करेंगे, ये पर्सन भी आपको मिस करेगा, ये पर्सन अगर आता है तो सावधान, मैं तो बोलूँगी ये पर्सन अंडर डेविल एनर्जी के इफेक्ट में, इसके इरादे गलत है, कोई धोखाधड़ी आपके साथ हो सकती है, कोई खेला जा सकता है फिर से, गलत इरादे से ये पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है। एक्स से नेक्स्ट है, जांच पड़ताल कीजिएगा। जी हाँ, आप पे फर्क नहीं पड़ेगा, अब शायद आप डेविल को भी समझते हो, अच्छे को भी समझते हो, क्योंकि कोई भी बिना परखे आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जाने वाले, भले आपके लाइफ में रिलेशनशिप की बहुत आपको ज़रूरत है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी के भी इसमें जाएंगे, प्रभाव में जाएंगे। हाँ, अगर ये आपका अपना ही पर्सन है, यही आ रहा है, तो आपको थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है, इनकी हरकत पे ध्यान दो, इनके मूवमेंट पे ध्यान दो, और ऐसा करेंगे आप ब्यूटी विद ब्रेन वाली मुझे पर्सन लगते हैं, स्ट्रांग है, पावरफुल है, स्ट्रेंथ है, जानवर कितना भी भयानक क्यों ना हो, कितना भी हिंस्र क्यों ना हो, उसमें काबू पाने की ताकत अब आप में आ गई है, कॉन्फिडेंट है। टॉप फैंस की एनर्जी क्यों है, और ऐसे ही आप इस पर्सन को भी हैंडल करेंगे। जी आप तो चुनेंगे भाई अपनी स्टेबिलिटी चुनेंगे, आपका बड़ा कंफर्म है, दो रास्ते कोई भी दिखाएगा, दो ऑप्शन आएंगे आपके लाइफ में, आप जो आपको स्टेबिलिटी देगा उसको चॉइस करेंगे आप। एक तो किंग आ रहा है विथ अपोलॉजी के साथ, किंग आ रहा है, कमिटमेंट या फिर आपको ऑफर मिलने वाली है, टेन ऑफ कप्स, सिर्फ चाली की ऑफर है, आप सही गलत सब ढूंढेंगे और उसके बाद ही परखेंगे। यहाँ पे तो भाई टेन ऑफ कप एंड थ्री ऑफ सोर्स के एनर्जी आपके थी, उससे आया तो नहीं था, जो गिरा था मैंने वही ले लिया था। जी हाँ, जिसने दिल तोड़ा था ना, अगर ये आपका शादीशुदा वाला पर्सन है, या फिर शादी की कमिटमेंट देकर भागने वाला पर्सन है, या फिर कहीं और मैरिड है जिसकी वजह से आपका दिल टूटा है, भाई ये तो आ रहा है आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, शुरुआत कर रहा है। बट अगेन अगला कार्ड टावर, इसलिए मैं इनके जी हाँ डेथ की एनर्जी है, शुरुआत होती है फिर से ब्रेकअप होता है,
या फिर ये बोल सकती हूँ कि जिसने आपको हार्शली ब्रेकअप किया था, ये ब्रेकअप वाली सिचुएशन एंड हो सकती है, मैं यहाँ पे बोल सकती हूँ, पर कन्फर्मली क्यों नहीं बोल। तो ये निगेटिव एनर्जी बहुत है गाइस आपकी रिलेशनशिप में। आप ये ब्रेकअप वाला खेले खेले खेल खेलेगा ना वापिस, हार्ट ब्रेक थर्ड पार्टी, आप ही भाई, तू जाने, तेरा डेविल जाने, तेरी ब्लैक मैजिक जाने, तेरा स्पेल जाने, हम कोई जगलिंग में नहीं रहना है, आप जाओ। क्योंकि ये वापिस आपको मैनिपुलेट करेगा, आप बोलेंगे जाओ, ख़त्म कर देंगे आप। दो ऑफर आ रहे हैं आपके पास, एक आपको स्टेबिलिटी दे रहा है, हो सकता है आप उसको चॉइस करेंगे, ये भी आ रहा है और वो भी आ रहा है, टू ऑफ पेंटे का आ रहा है, टू ऑफ फैंस आ रहा है, तो दो ऑफर आपके पास आ रहे हैं, उसमें से आप जिसने आपका दिल तोड़ा उसके पास आप अगर जाते हैं तो ये बात आती है। अगर आप नए वाले के साथ जाते हैं तब देखते हैं क्या, जी हाँ नए वाले के, अगर मैं यही बोल रही थी, फूल के पास जो नया रिश्ता आया है जिसके पास जाते हैं तो वो आपका विश फुलफिलमेंट वाला रिश्ता है। ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको देगा, ये जो कोई भी आ रहा है ये लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपको देने वाला है। ये हाईली इंटिटिव है, बट अगेन यहाँ पे सेवन ऑफ सोर्स की भी एनर्जी आ रही। अब उन लोगों के लिए है कि भाई जो कोई ऐसा बोल सकता है जिसने आपके आपके साथ अब तक रिलेशनशिप में था, तो हो सकता है आप अल्टीमेटम दे दे और आप उसको डिटैच करके रख दे, और डिटैच करके रख देने से इसको जो आपके साथ रिलेशनशिप में ऑलरेडी है उसको लगेगा कि आपने इस रिलेशनशिप को ब्रेकअप कर दिया है और आप नए ऑप्शन को ढूंढ रहे हो, क्योंकि उसके आपके ऊपर नज़र रहेगी, और आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो और आप लोगों को मिल रहे हो और अपनी लाइफ को सेटल करने के इरादे से आप जा रहे हो आगे चलकर, इसके बहाना इस पर्सन को मिल जाएगी जो आपके साथ रिलेशनशिप में था, तो वो खुद भी आपको बोलेगा कि वो वापस आपके साथ शुरुआत करना चाहता है। और आपको अब एक्सपीरियंस इतना हो चुका है कि ये फिर से मैनिपुलेट कर रहा है, या फिर ये किसी स्पेल के इफेक्ट में, या फिर किसी ने इसको इस पर करवाया है, और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ों का आपको अनुमान है, इसीलिए आप इसके सामने सीधी शर्त रखेंगे। अब उसने सीधी सीधी शर्त रखने के बाद उसने आपको फिर से मैनिपुलेट कर लिया और उसने बोल दिया कि थोड़ा टाइम मुझे दे दो, मुझे जैसे सिचुएशन मुझे मेरी हालत ठीक हो जाएगी वैसे मैं कुछ ना कुछ करूँगा, और आप वापस उसके बहकावे में अगर आप उस रिलेशनशिप में चले गए तो उनके लिए वार्निंग है कि भाई आपके साथ फिर से धोखा हो सकता है, फिर से आपके इंट्यूशन के साथ खेला जा सकता है, यहाँ पे कुछ हिडन एंड सिक्रेटिव गेम में भैया आप थोड़ा सोच समझ के जाओ, क्योंकि हेरोफेट हर्मिट भी है एंड हाई प्रेस्टेज भी है, बिल्कुल सोच समझ कर कोई ऐसा गेम खेला जाएगा आपके साथ वापस, क्योंकि आप ऐसे पर्सन हो, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छे पर्सन हो, स्टेबल पर्सन हो, ऐसे पर्सन हो जो लाइफ ही जिसके रहता है भी इसकी लाइफ बड़ी आसानी से सॉर्ट हो जाती है। आप इमोशनल फुलफिल करते हैं लोगों को, फाइनेंशियली फुलफिल करते हैं लोगों को, सब एंगल से आपका सपोर्ट बड़ा लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, बट आपके साथ ये हो सकता है। आप अपने इंट्यूशन से पता चलेंगे, आप अपनी इंट्यूशन यूज़ करेंगे और थोड़ा सर्च करेंगे, हर्मिट अगेन रिसर्च के नज़र थोड़ा सर्च करेंगे कि ये पर्सन आ किस रहा है, तो आप इसका धोखा आसानी से पकड़ लेंगे। ये सेवन ऑफ सोर्स के नज़र आप इस चोर को आसानी से पकड़ लेंगे, फिर आपकी इन कप को कोई नहीं लेके जा सकता, इस आपके जो नाइन ऑफ कप की जो विश फुलफिलमेंट एनर्जी इसको आप आसानी से प्रोटेक्ट कर लेंगे। फोर ऑफ पैंट्स के एनर्जी की रहेंगे, और अगर आप इसमें कामयाब नहीं रहे, ये कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, मैरिड वाला सकता है, आप ऑलरेडी इसके साथ मैरिड रिलेशनशिप हो, या फिर आप कहीं दूसरे के साथ ना जाओ, इसीलिए आप कहीं आपका पर्सन फिर से आपके इमोशंस के साथ खेल सकता है, और अगर आप फंसते हो तो मैरिज कमिटमेंट पे नाम पे आपको वापस एक ब्रेकअप मिलेगा, ये मिसिंग वाली एनर्जी मिलेगी। आप ऑलरेडी शादीशुदा ज़िंदगी में हो और आपको लगता है कि आपने थर्ड पार्टी, आपके पर्सन या थर्ड पार्टी को उनके रिलेशनशिप से सदा के लिए डिटैच करके रख दिया है, और इस झांसे में आकर आप बिल्कुल इस पर्सन के ऊपर बेवकूफ़ों की तरफ, अंधों की तरफ भरोसा करके जाएंगे, अलर्ट नहीं रहेंगे, तो आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में मुझे वापस एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन दिख रही है। यहाँ पे स्पेल की बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है, आपके ऊपर भी बहुत सारे स्पेल किए जा रहे हैं, आपके ऊपर भी, आपके रिलेशनशिप के ऊपर किसी की बहुत गंदी निगाह, इतना मैं डेफिनेटली बोल रही हूँ। चाहता है कोई, स्ट्रांगली चाहता है, स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करता है, ब्रेकअप हो जाए आपका, डिवोर्स हो जाए, आपका एंड हो जाए, और आप भी कुछ हद तक इस सिचुएशन का बलि होते हुए मुझे दिख रहे हैं। क्योंकि
जिस तरीके से आप अपना इंटेलिजेंस यूज़ करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट बात अगर एनर्जेटिकली ही छेड़खानी की बात आती है, इस पे बस नहीं, इस पे आप क्या कर सकते हैं, आप वही मेडिटेशन कर सकते हैं, इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ईश्वर का सहारा मंत्र कर सकते हैं, काली पाठ, काली कवच हर दिन आप सुननी जरूरी है, महाकाली कवच घर में लगाना, काली मंत्र हमेशा लगाते रहो 24 घंटे, हनुमान चालीसा पढ़ो, दुर्गा कवच पढ़ो, निगेटिविटी भग जाएगी, क्योंकि एनर्जी को एनर्जी मार सकती है। देखते हैं क्या करना चाहिए आपको, बैठ लीजिए, निर्देशकों को क्या करना चाहिए। बात कर रही हूँ मैं तो भाई, थ्रोट में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है मुझे, कम्युनिकेशन से कोई आपको मैनिपुलेट कर सकता है, अपनी सूझबूझ, अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करो, क्रिएटिव प्रोजेक्ट। हार्ट चक्रा, क्रिएटिव बनो, अपने इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाओ, आसपास में क्या हो रहा है, कोई से क्यों कर रहा है, थोड़ी चौकन्ने रहो, असर्टिवनेस, एनर्जी वर्क, एनर्जी पे वर्क पे, वही वही बोले ना, एनर्जी को एनर्जी मार सकती है। ब्लेसिंग इन डिस्गज, डिस्गजाइज, डिस्क्यूज, मैं सब मैसेज पढ़ के ही बताऊंगी आपको, मेरी इंट्यूशन क्या बोलती है मैं यही बोलूंगी, हैव कॉन्फिडेंस, डरो मत, यही बोल रहे। ओके, फ्रेश एयर, गिविंग एंड रिसीविंग, लिसन लिसन, अंतरात्मा के हक सुनो, क्या बोला जा रहा है, ये गाइडेंस सुनकर सिर्फ परेशान नहीं रहना है, गाइडेंस इसीलिए मिलती है ताकि कुछ कर पाओ लाइफ में, आगे के होने वाले नुकसान से बच सको। क्रिएटिव प्रोजेक्ट क्यों है, यू आर सो लॉन्ग टू एक्सप्रेस इट सेल्फ इन क्रिएटिव वेज, वी आर गाइडिंग यू टू इन्फ्यूज आर्ट 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 आर्टिस्ट्री एंड क्रिएटिविटी इन टू योर लाइफ, क्रिएटिव एक्सप्रेशन मेक्स यू फील अलाइव एंड एक्साइटेड एंड इग्नाइट्स पैशन टूवर्ड्स योर लाइफ। देखिए आपकी क्रिएटिव, यहाँ पे क्रिएटिविटी पे ध्यान देने के लिए तो बोल रहे कि आप में बहुत क्रिएटिव एनर्जी पावर है, आपके लिए इस रीडिंग को देखकर मुझे क्या लग रहा है ना, क्या मुझे इंट्यूशन आ रही है, जी आपका थॉट प्रोसेस आपको काफ़ी कुछ समझाता है, बट आप करते क्या हो ना, आप सिर्फ सोचते रह जाते हो, उस पर कोई क्रिएटिविटी अप्लाई नहीं करते, इम्प्लाय नहीं करते, तो अप्लाई भी करनी है, इम्प्लाई भी करनी है आपको अपनी क्रिएटिविटी। मीन्स क्या है कि जो आप सोच रहे हो, अगर आपकी इंट्यूशन आ रही है, जैसे मैंने आपको बोला है और जो मैं आपको जो गाइडेंस दी है कि आपको ये करना चाहिए, हो सकता है यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स इनको ऑलरेडी पता है कैसा करना है, बट ये अप्लाई नहीं कर रहे, और इससे क्या हो रहा है कि जो कोई अगर आपके खिलाफ कोई कुछ निगेटिव सोच भी रहा है ना, तो सीधा इफेक्ट हो रहा है आपके रिलेशनशिप के ऊपर, धीरे धीरे कर कर, जब आपने दो दिन पढ़ लिया, 4 दिन पढ़ लिया, 5 दिन पढ़ लिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे नहीं होते। एनर्जी को स्ट्रांग बनने के लिए, एनर्जी एनर्जी वाइज स्ट्रांग बनने के लिए काफ़ी दिनों की मेहनत तपस्या करनी पड़ती है, तो उतना तो आपको यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। धीरे धीरे बोलते ना, तिनका करके है बनता है आशियाना, ऐसा कुछ तो इससे आपको बनना है, ऐसे आपको अपनी पावर ग्रे करनी है, तो यहाँ पे अपनी क्रिएटिविटी बढ़ावा। हार्ट चक्रा, देखिए हार्ट चक्रा ब्लॉक करने से कुछ तो नहीं होने वाला, आपको अपना हार्ट चक्रा ओपन करना है। गिविंग एंड रिसीविंग एनर्जी में जब आते हो आप, तो आपका हार्ट चक्रा बैलेंस हो जाता है। अब ये पर्सन ऐसा कुछ कर रहा है, अब आपके पर्सन सच में यहाँ पे गुनहगार है नहीं है, तो ये तो मैंने बोल दिया है कि यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए मुझे आया कि पर्सन का जेन्युइन इरादा आपको लेकर अच्छा है, क्योंकि उनके जेन्युइन इरादे में कोई गलत कार्ड आते तो मैं शायद बोलती कि इनके इरादे आपको लेकर ठीक नहीं है, ये इनके इरादे बड़े अच्छे हैं, आपको प्यार देना है, आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पे करना है, सब कुछ है, बट अगर ये सब कुछ नहीं कर पाते तो इसका एंजल्स ने भी आंसर दिया हमें, ऐसा ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं, और आपको इसके ऊपर ध्यान देना है। तो आप क्या करते ना, जो बात सुनने के लिए ज़रूरी है आप वो नहीं सुनते, आप सो गलत बात है उसको सोचकर अपना हार्ट चक्र ब्लॉक कर लेते हो,
वो आपको नहीं करना है। ऐसे ट्यूनिस में आपको आना है, थोड़ा एक बैलेंस एनर्जी में आ जाओ, पॉजिटिव एनर्जी में आप आ जाओ, तो एनर्जी वर्क आप करो, यही मैं आपको बोल रही हूँ। ब्लेसिंग तो आपके लाइफ में वैसे भी आने वाली है, एंजल आपके लिए ब्लेस करने के लिए हमेशा रेडी है, बट आपकी परीक्षा कहाँ पे होती है कि आपको सही गलत की समझ, सही गलत की परख होनी ज़रूरी है। बात कहाँ तक गलत है, बात कितनी गलत है और बात कहाँ तक गलत हो सकती है, इन तीनों चीज़ों का आपको क्या करना है, अंदाज़ा लगाना है, अपनी लाइफ में उसको एम्प्लाई करना है। बात अगर इतनी सी गलत और आपने उसको इतनी बढ़ा ली, इतनी बढ़ा ली आपने, इतनी बढ़ा ली आपने, मानने के लिए इतनी मान ली और इसको समझने के लिए इतनी समझ ली, तो इतनी सी बात अगर इतनी समझ लेंगे तो क्या बचेगा। तो हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं, और ज़्यादा क्लैरिटी आपके लाइफ में मैं तभी दे पाऊँगी, आपका पर्सनल कंसल्टेशन सेशन होगा तभी मैं आपको दे पाऊँगी। जनरल गाइडेंस में मैं जितना आपको ओवरऑल गाइडेंस दे पाती हूँ मैं उतना ही बोल सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हर एक के लाइफ की सिचुएशन अलग है। किसी का रिलेशनशिप सच में बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, वो खुद निकलना चाहता है उस रिलेशनशिप में, तो ऐसे तो यहाँ पे गाइडेंस नहीं बैठती कि आप अपने पर्सन को चांस दो, वो खुद निकलना चाहता है, बट आपका पर्सन आपको किसी न किसी बात में उलझा लेता है, क्योंकि उसको अपना कोई लॉस नहीं देखना है, उसको अपने आपको लॉस से बचाना है, बट उसको अपनी लॉस से बचाना, इसका मतलब आपका लॉस तो होता रहता है ना। तो हर पर्सन की सिचुएशन अलग अलग होती है, तो पर्सन कंसल्टेशन सेशन में सारी बातें क्लियर होती है। तो ओके गाइस, ये थी मेरी आज की रीडिंग, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।